नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज अपने जो प्रारंभिक विद्युत चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं, कैसी लैंग्वेज रहती है एग्जाम टाइम में और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने पहला क्वेश्चन है, परमाणु का व्यास कितना होता है। जो परमाणु है, अपने परमाणु संरचना पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो परमाणु है उसका व्यास कितना होता है। तो परमाणु का व्यास कितना होता है, इसमें ऑप्शन दे रखा है 10^-15 मीटर या फिर 10^-10 मीटर या फिर 10^-2 मीटर या फिर 10^-8 मीटर। तो इनमें से जो 10^-10 मीटर है, ये क्या है, परमाणु का व्यास होता है, बहुत कम होता है। और जो ये है 10^-15 मीटर, ये किसका होता है, तो ये होता है नाभिक का जो व्यास होता है वो 10^-15 मीटर होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं उनको क्या बोलते हैं। अपने जो परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो इसमें दे रखा है बंधक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या स्योज्य इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर ये सभी बोल सकते हैं। तो जो अपने परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपने स्योज्य इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो परमाणु की अंतिम कक्षा में होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने स्योज्य इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और जो अब इसमें दे रखा है जी मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो अपनी धातु है या फिर जिनको अपने चालक बोल जो अपने चालक है, जितने भी धातु लगभग चालक ही होती है, अंतिम कक्षा में कितने, एक या दो इलेक्ट्रॉन या फिर अपने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धातु के जो अंतिम कक्षा में कितने जो चालक बोल सकते हैं अपने, उनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इनमें क्या दूसरा जो परमाणु है उसके द्वारा थोड़ा सा जो बल लगाते हैं, अपने जो विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं वो लगाते हैं, उनके कारण क्या है, ये दूसरे परमाणु जो दूसरी धातु के दूसरे परमाणु में क्या है, विस्थापित हो जाते हैं। इसी को अपने क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जी ये विस्थापित क्यों हो जाते हैं, तो इनमें क्या है, जो ये क्या है, नाभिक से दूर होते हैं, अंतिम कक्षा में है तो नाभिक से क्या दूर होते हैं, नाभिक से दूर होने के कारण क्या है, इनके प्रति जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है। जो नाभिक के प्रति जो आकर्षण बल है इनका वो बहुत कम होता है, जिनके कारण क्या है, ये थोड़ा सा बल लगाने के कारण क्या है, ये जो आगे है दूसरे परमाणु में विस्थापित हो जाते हैं, जो इनको क्या बोलते हैं, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज मत होना, स्योज्य इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, विद्युत धारा निम्न के कारण प्रभावित होती है। जो विद्युत धारा है, जो परमाणु जो अपने परमाणु के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है या इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है वो किन के कारण प्रभावित होते हैं, जो जो धनायन के कारण प्रभावित होता है या फिर ऋणायन के कारण प्रभावित होता है या फिर ऋण या धन दोनों के कारण प्रभावित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है या धारा का प्रवाह होता है वो किन के कारण होता है, धनायन और ऋणायन दोनों के कारण ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तांबे का परमाणु क्रमांक, तो अपने कॉपर के बारे में बात की थी, तो जो तांबा है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। अब दो होते हैं जी, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, तो परमाणु क्रमांक कौन सा होता है, इसमें तांबे का परमाणु क्रमांक पूछा है, सीधा ही बताना है, 29 होता है, 28 होता है या 35 होता है या फिर 64 होता है। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको अपने क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जो परमाणु भार है वो क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को अपने क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। अब जी परमाणु क्रमांक क्या है वो कितना है तांबे का, तो 29, और जो परमाणु भार है वो कितना है, 64 होता है। अब जी इसमें अपने को पूछ ले जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसमें से अपने इसको माइनस कर देंगे प्रोटॉन में से। अब जी ये क्या है, प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, दोनों बराबर होती है, तो इसमें से अपने जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई घटाओ तो ये घटाएंगे तो क्या होगा, अपने पास जो है न्यूट्रॉन की संख्या बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, अगला जी, द्रव में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। जो द्रव पदार्थ है उसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है,
धनायन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, या धनायन और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है, या फिर धनायन और ऋणायन के कारण होता है। तो जो द्रव पदार्थ है अपना, जो अपने सेल पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, तो उसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, जो धनायन और ऋणायन दोनों के कारण होता है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है अपना, विद्युत धारा एक राशि है, जो विद्युत धारा है वो क्या है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, या फिर दोनों है, या फिर अंकों वाली है। तो जो अपनी धारा है वो अपने अदिश राशि मानते हैं इसको। कैसे, जो अपने जैसे अपने लाइन जा रही है कोई, अगर बीच में से अपने कोई और लाइन लगानी है या और कोई मतलब कनेक्शन लेना है तो अपने यहाँ बीच में लगा सकते हैं। इससे क्या है, ये सीधी जा रही थी लेकिन अपने को यहाँ भी मिल गई, तो मतलब कि इसकी दिशा फिक्स नहीं है, तो इसको क्या मान सकते हैं, अपने अदिश राशि मान सकते हैं। ठीक है, ये अदिश राशि होती है। उसके बाद आज अगला क्वेश्चन, एम्पियर आवर की, एम्पियर आवर किसकी इकाई है, तो एम्पियर आवर है जो किसकी इकाई मानते हैं अपने, इसमें धारा की सामर्थ्य की या विद्युत की मात्रा की, या फिर जो शक्ति है या फिर ऊर्जा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है। इनमें से अपने एम्पियर आवर किसकी इकाई मानते हैं, तो विद्युत मात्रा, जो विद्युत मात्रा है उसकी इकाई अपने क्या मानते हैं, एम्पियर आवर मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है आवेश, इसमें आवेश दे रखा है, उसमें ब्रैकेट में लिख रहा है क्यू का मान निम्न में से है, इसमें कैपेसिटर दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, एम्पियर दे रखी है, तो इसका मान पूछ रहा है आवेश, या फिर अपने इसको क्यू से लिखते हैं, इसका मान क्या है, तो इसका मान किसके बराबर होता है, मतलब इसने पूछा है जो कैपेसिटेंस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने, आवेश, उसकी मात्रा, तो वो किससे ज्ञात करते हैं अपने, सी इंटू वी से ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन, ऐसा इकाई में विद्युत चार्ज का मात्रक, इसने क्वेश्चन थोड़ा कम लिखा है, ऐसा इकाई में विद्युत चार्ज का मात्रक क्या होता है, तो चार्ज अपने किसको बोलते हैं, आवेश को बोलते हैं, तो आवेश का मात्रक क्या है, अभी बताया था कूलम, जो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। सीधा इसने इकाई पूछा है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ठीक है, उसके बाद है जी, एक सेकेंड में एक एम्पियर विद्युत धारा में चालक के पार कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जो एक सेकेंड के अंदर जो एक एम्पियर प्रवाहित होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है, तो इसमें दे रखा है 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एक सेकेंड के अंदर एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं एक चालक के अंदर से, तो 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब इसके जगह जी आपको होता है क्लास में भी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, और 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन ये भी आ सकता है। मतलब कि सही एक्यूरेट वैल्यू ये निम्न की भाषा में, निम्न की जो बुक है उसके अंदर ये एग्जैक्ट वैल्यू ये दे रखी है, कई बुकों में ये भी दे रखी है और ये भी दे रखी है, तो अपने तीनों में कन्फ्यूज नहीं करेगा, इनमें से एक ही डाटा आएगा सही से, तो अपने ज़्यादातर ये आता है तो इसको आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो कैसे, इलेक्ट्रॉन चलता कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की ओर चलता है, या फिर माइनस से प्लस की ओर चलता है, या फिर प्लस की ओर चलता है, या फिर माइनस की ओर चलता है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऋण से धन की ओर चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो धन से क्या है, ऋण की ओर चलता है, या प्लस माइनस से पॉजिटिव की ओर चलता है। अब जी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से किसका निर्माण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से किसका निर्माण होता है, अपने वोल्टेज का होता है, या धारा का होता है, या फिर ऊर्जा का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अपने किसको मानते हैं, धारा का, जो इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह ही अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो प्रवाह होता है उसी को अपने धारा बोलते हैं। तो इसमें है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण किसका निर्माण होता है, तो धारा का होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, एम्पियर मात्रक है, जो एम्पियर है वो किसका मात्रक है, ईएमएफ का है, या फिर प्रतिरोध का है, या फिर चालकता का है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का है। एम्पियर किसका मात्रक है, अपने को जनरली पता है भी इलेक्ट्रॉन जो एम्पियर है वो धारा का मात्रक है, लेकिन धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही धारा होती है, तो इसने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, जो इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उसको अपने क्या बोलते हैं, एम्पियर बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, परमाणु का सबसे हल्का कण, परमाणु में कितने कण है जी, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें पूछा है जो परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु का सबसे हल्का कण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूनतम ही द्रव्यमान रखता है और न्यूनतम ही ऋण आवेश रखता है, जिसके कारण इसको अपने सबसे हल्का कण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, किसी परमाणु में संख्या में बराबर होता है, संख्या में क्या बराबर होता है जी, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है या फिर ये सभी होते हैं, जो मर्जी देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु के अंदर संख्या में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपने जो परमाणु क्रमांक पढ़ा था उसमें पता था जी, जैसे अपने तांबे का ले लिया तो उसमें क्या था, 29 थे, 29 क्या थे, परमाणु थे और 29 ही प्रोटॉन थे और 29 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो संख्या में क्या बराबर होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जब न्यूट्रॉन की संख्या इनसे अलग थी, 35 थी। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है अभी संख्या में क्या चीज़ बराबर होती है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, परमाणु में अपने बराबर होते हैं। कोई भी तत्व ले लो या कोई भी पदार्थ ले लो, उनके अंदर जो उनके परमाणु में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है जी, वह बल जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराता है, अब जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कराता है या फिर धारा का जो प्रवाह कराता है उसको अपने क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं या फिर MMF बोलते हैं या फिर इसने दे रखा है आणविक बल बोलते हैं या फिर धारित बल बोलते हैं, आणविक बल या धारित बल। तो जो अपने धारा का जो प्रवाह कराता है या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कराता है उसको अपने EMF बोलते हैं या विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ये MMF होता है चुंबकीय वाहक बल, ये अपने चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आणविक बल है ये अपने क्या है, जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांध के रखता है या जकड़ के रखता है वो क्या होता है, अंतराणविक बल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है जी, इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा के विपरीत होती है या फिर धारा के समान होती है या फिर धारा धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है। तो धारा जो इलेक्ट्रॉन की दिशा वो क्या होती है, धारा के विपरीत होती है। कैसे है जी, धारा की दिशा क्या है, प्लस से माइनस चलती है और जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो क्या होती है, माइनस से प्लस होती है। अब जी माइनस से प्लस कैसे होती है, तो परमाणु की अपने संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, जो परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे परमाणु को, उसमें क्या है, जो परमाणु दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है उसको अपने क्या बोलते हैं, धन वस्तु, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, ऋण वस्तु बोल देते हैं। ठीक है, अब ये ऋण वस्तु है ये क्या है, ये जो है इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये आगे क्या है, आगे ये ज़्यादा हो गए वो क्या देती है, आगे देता है, तो इसके कारण अपने क्या बोलते हैं, ये माइनस है, माइनस से किसकी ओर चलता है, प्लस की ओर। अब इसके पास बहुलता इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तभी आगे देगा, तो इसके पास ज़्यादा होते हैं तो ये आगे देता है, इस कारण अपने क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह है वो क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की गति, तो विद्युत धारा की गति बताया आपने 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो विद्युत धारा की गति होती है तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या होती है, जो ऊष्मीय तरंगे उनकी होती है, ये जो रेडियो तरंगे हैं उनकी भी क्या होती है, ये गति होती है, जो प्रकाश की तरंगे हैं उसकी गति भी क्या होती है, ये होती है। अब इसको अपने धारा की गति, ठीक है, और प्रकाश की गति और जो रेडियो तरंगे हैं इन सभी की गति क्या है,
3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत के गैस आयनीकरण प्रभाव का उदाहरण है। तो अपने विद्युत धारा के प्रभाव पढ़े थे, उसमें प्रभाव चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, और रासायनिक प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव, ठीक है, और भी पढ़े थे जैसे झटका लगना, ठीक है। तो इसमें से ये पूछ रहा है, तो गैस आयनीकरण प्रभाव है वो इनमें से कहाँ पे यूज होता है? फिलामेंट लैंप पे होता है, आर्क लैंप पे होता है, मीटर में होता है, या मर्करी वेपर लैंप में होता है? तो अपने गैस आयनीकरण प्रभाव जो मैंने लिया आपको बताए थे, लैंपों में ही होते हैं, सारा में नहीं होते हैं, कोई मेन है जो उनमें होते हैं। तो इसमें जो लैंप है वो कौन सा है जिसमें अपने गैस आयनीकरण प्रभाव का यूज़ होता है? तो जो मर्करी वेपर लैंप है उसमें अपने गैस आयनीकरण प्रभाव का यूज़ होता है। दूसरा है सोडियम वेपर लैंप है, उनमें भी अपने गैस आयनीकरण प्रभाव का यूज़ होता है। रासायनिक प्रभाव इसका अपने सेल में या बैटरी में होता है। चुंबकीय प्रभाव है, जितने प्रकार की जो मशीनें हैं, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, उनमें क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव का। ऊष्मीय प्रभाव में अपने जो हीटर है, प्रेस है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव का यूज होता है। अगला है जी, आवेश का मात्रक। पीछे अपने पढ़ा था आवेश कूलम, तो आवेश का मात्रक इसमें क्या है? कूलम है, एम्पियर है, एम्पियर प्रति सेकेंड है, वोल्टेज है। तो इसमें आवेश का मात्रक अपने पीछे पड़ा हुआ है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, कूलम्ब भी बोल देते हैं, या कूलम्ब सही नाम में से कूलम्ब है, और नॉर्मली अपने कूलम्ब बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवेश बराबर होता है, जो आवेश है जिसको अपने क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ज्ञात करने का मतलब कि उसका चार्ज है, आवेश चार्ज है, आवेश को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो पीछे अपने जो पिछला क्वेश्चन किया था पहले, उसमें क्या था? उसका मान पूछा था, आवेश का मात्रा या उसका मान क्या क्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो वो क्या था? C×V, ठीक है, ये क्या था? मात्रा ज्ञात करने का, जो मात्रा कितनी है उसकी, ठीक है, आवेश की। और ये क्या है? उसका चार्ज आवेश कितना है, तो इसका क्या है? I×T, इसमें दे रखा है ऑप्शन में I×V, I×R, ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? I बटा में टी दे रखा है एक, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? I×T, जो अपने आवेश है या चार्ज है, चार्ज को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वह I×T, तो इसमें मिक्स मत करना, ये मात्रा है, ये चार्ज है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन है उसके खोजकर्ता कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है चैंडविक और थॉमसन, दूसरा दे रखा है थॉमसन और चैंडविक, ठीक है, तीसरा दे रखा है थॉमसन और रदरफोर्ड, ठीक है, चौथा दे रखा है थॉमसन और आइंस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन, थॉमसन और गोल्डस्टीन दे रखा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है पहले, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन का पूछा है और बाद में न्यूट्रॉन का पूछा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की, तो इसमें, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैंडविक ने की। अब इसमें ये मिक्स मत कर देना, अभी पहले न्यूट्रॉन का पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन दोनों का पूछ रहा है, लेकिन इसमें क्या है? पहले चैंडविक दे रखा है, मतलब कि जो पहले किसका पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, पहले क्रम पूछना है, मतलब क्रम ध्यान रखना है, पहले किसका पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन का, बाद में न्यूट्रॉन का पूछ रहा है। तो अपने ये ऑप्शन सही करेंगे, पहले थॉमसन फिर जो चैंडविक। अब इसमें से ये आ जाए जी, ऑप्शन में ये एक है, इसमें चैंडविक और थॉमसन मिक्स नहीं दे रखा किसी में, किसी में थॉमसन रदरफोर्ड दे रखा है, किसी में
थॉमसन गोल्डस्टीन दे रखा है या किसी में और दे दिया तो अपने ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो अपने जो पहले पूछ रहे हैं उसका नाम पहले आना चाहिए, ठीक है। ये मिक्स मत करना भी पहले अपने ये टिक कर दिया। अब इसमें दोनों ही हैं, दोनों ने खोज किया इसकी, मतलब इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, तो ये है। लेकिन इसमें अपने सही कौन सा मानेंगे, तो वो पहले किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, थॉमसन ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहज इलेक्ट्रॉन का नाभिक से संपर्क टूट जाता है तो इन्हें क्या कहते हैं। जो सहज इलेक्ट्रॉन है अगर इनका संपर्क नाभिक से टूट जाता है तो अपने क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पीछे भी अपने बात की है, जो सहज इलेक्ट्रॉन है इनका जो नाभिक से संपर्क टूट जाता है तब ये क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इनके बारे में अपने पीछे बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है जी, परमाणु के किन कणों का द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु के किन कणों का द्रव्यमान बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन का, या कोई नहीं है, इनमें से सभी कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो जो पीछे अपने बात किसकी की थी, संख्या में क्या बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने संख्या में बराबर होते हैं। अगर द्रव्यमान की बात करें तो क्या बराबर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है द्रव्यमान में बराबर होते हैं। अब ये दो क्वेश्चन थोड़े से सेम से है तो इनमें ध्यान रखना, द्रव्यमान पूछ रहा है या संख्या पूछ रहा है, इनका क्रमांक पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, निम्न में से विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई, जो विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से अपने बताएंगे, एम्पियर है या माइक्रो एम्पियर है नैनो एम्पियर है या फिर मिली एम्पियर है। तो इसमें जो एम्पियर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, नैनो एम्पियर है। ये अपने इसकी एक सारणी बनाएंगे, अगली जो क्लास करेंगे उसमें अपने फुल फॉर्म करेंगे, और साथ में ये जो सारणी है माइक्रो एम्पियर है या मेगा एम्पियर है वो क्या होता है, माइक्रो मेगा नैनो, वो अपने इसमें बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, धनायन का निर्माण तब होता है जब, जो धनायन है उनका निर्माण कब होता है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तब होता है, या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो धनायन का निर्माण कब होता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे परमाणु को देते हैं तब अपने क्या होता है, धनायन का निर्माण होता है। और जब वही और ऋणायन का जो है निर्माण कैसे होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब किसका, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब किसका निर्माण होता है, तो ऋणायन का होता है, ठीक है। इसके बारे में अपने पीछे बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए नाभिक का आकार होता है, किसी परमाणु के नाभिक का आकार, तो ये अपने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें अपने किया था परमाणु का जो व्यास है वो कितना होता है, तो 10^-10 मीटर। तो इसमें क्या पूछा है, नाभिक का पूछा था, नाभिक का भी उसमें बताया था मैंने 10^-15 मीटर, ठीक है। ये इसका है नाभिक का व्यास होता है, ये दोनों याद रखना। इसके बाद है, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, जो धारा है उसका अपने को पता कैसे चलता है, तो इसमें ऑप्शन है चमकने से पता चलता है, या उत्पन्न पावर प्रभावों से, या झटके से, या चटकने की ध्वनि से। तो इसमें अपने को जो विद्युत धारा के प्रभाव है, जैसे रासायनिक प्रभाव है, गैसीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, उन प्रभावों के कारण अपने क्या है, धारा का अपने को पता चलता है भी ये विद्युत धारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करंट के तीन प्रमुख प्रभाव, जो इलेक्ट्रिसिटी में अपने सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो प्रमुख तीन प्रभाव कौन से है, ठीक है। तो इसमें ऊष्मीय चुंबकीय या विद्युत झटका लगना, ऊष्मीय चुंबकीय या प्रकाश उत्पन्न होना, ऊष्मीय चुंबकीय और रासायनिक, या रासायनिक चुंबकीय और विद्युत झटका लगना। तो जो मेन है इसमें, जो विद्युत धारा के जो मेन प,
प्रभाव होते हैं जिनको अपने मुख्य प्रभाव मानते हैं वो कौन से हैं? चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ये तीन प्रभाव है जो अपने मुख्य प्रभाव मानते हैं और इन्हीं का सबसे ज़्यादा अपने जो अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसके अंदर अपने इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है इसका, आकाशीय विद्युत किस श्रेणी की विद्युत होती है? जो अपने बिजली गिरती है वो किस श्रेणी की, जो बिजली है वो किस श्रेणी की विद्युत है? स्थिर विद्युत है या चल विद्युत है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है? तो जो अपने आकाश की बिजली गिरती है वो क्या है? चल और स्थिर विद्युत है। ठीक है, सबसे पहले जो मानव के दिमाग में आइडिया आया था वो इसी विद्युत को देख के उसके बारे में उसका यूज़ और उसके बारे में उसको ज्ञान हुआ, उसका जो उसने यूज़ करना या कैसे इसको उत्पन्न करना, इसको प्रयोग कैसे करना उसके बारे में दिमाग में आया। ठीक है, तो ये हो गए जो प्रारंभिक विद्युत है, उसके जो क्वेश्चन है पेपर में किस टाइप के रहते हैं उसके बारे में हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं। और आगे आने वाले जो चैप्टर है उनके उनके अंदर जो चालक है यार चालक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो रह गए हैं, तो वो अपने अगले चैप्टर में करेंगे। अब इसमें जो प्रारंभिक विद्युत के अंदर परमाणु की और इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा थे तो अपने उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें किए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।